अगर शर्ट मैन्युफैक्चरर की कर रहे हैं तलाश, तो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। अब हम पहुंच गए हैं फ्राइडे गारमेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं फ्राइडे गारमेंट्स में, और यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आज आपके इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसी जानकारी के लिए आया हूँ कि मेरे व्यूअर्स को कैसे आपके साथ जुड़ के नया बिजनेस मिल सकता है, और आप क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और पूरा थोड़ा सा चाहेंगे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी दिखाएं। जी, मोस्टली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रेडीमेड शर्ट का है। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड शर्ट बनाते हैं। ठीक है। जिसमें आपको क्वालिटी के शर्ट्स मिल जाएंगे। हमने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। ये सेक्शन जहाँ पे आप खड़े हैं, हाँ, ये हमारा जो है सो स्टिचिंग यूनिट है। अच्छा। जहाँ पे हमारा ये कटिंग यूनिट, स्टिचिंग यूनिट आप, अच्छा, जैसे कह रहे हैं, हाँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ जो है हमारी कटिंग सेक्शन है, जहाँ पे हमारे कपड़े जो है सो वो कटते हैं। कटने के बाद वो फिर स्टिचिंग सेक्शन में आते हैं। अच्छा। यहाँ पे हमारे जो कारीगर हैं वो उसको जो है सो एक शर्ट का फॉर्म देते हैं। ठीक है। अब यहाँ जब शर्ट का फॉर्म आ जाता है, तो फिर यहाँ से वो शर्ट जो है वो हमारा काज और बटन, जिसको कहते हैं, या फिर आप बटन होल एंड बटन सेक्शन में, वो वहाँ जाता है। जब वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, तो फिर वो नीचे चला जाता है, जहाँ पे हमारा आयरनिंग सेक्शन है, वहाँ पे पैकेजिंग एंड आयरनिंग सेक्शन है। वो होने के बाद वहाँ पे फिर वो डिस्प्ले में लग जाता है, और फिर हमारे कस्टमर्स आते हैं, हम उनको जो है अपने शर्ट डिस्प्ले कराते हैं। जिनको जैसा पसंद होता है, वो अपना उस हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिक, क्योंकि डिज़ाइन जो है तो वो ज्योग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करती हैं कि आपके एरिया में किस तरह के डिज़ाइन बिकते हैं, हाँ, किस तरह की जो है सो किस रेंज की शर्ट्स बिकती हैं, तो वो अपने रेंज और अपने डिज़ाइन के हिसाब से अनुसार से वो अपना शर्ट जो है हमसे लेकर के। तो सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये काफ़ी साउंड भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे को अगला पोर्शन, या जहाँ पे आपका मतलब स्टोर्स है या आपके ऑफिस है, उस तरफ हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा इजी वे में हम लोग बात कर पाएंगे। अब इसमें मैं बता रहा था कि जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फैब्रिक, वो ट्विल होता है। अच्छा। ट्विल की क्वालिटी अच्छी होती है, और 40-40, 50-50 और 60-60 में भी आता तो ट्विल 20-20 में भी है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सस्टेनेबल नहीं है मार्केट में, उस पर हमारी ब्रांड ख़राब होगी, बल्कि बनने की बजाय ख़राब होगी। इस वजह से हम जो भी हमारे यहाँ कपड़ा यूज़ होता है 40-40 या उससे ऊपर का ही हम यूज़ करते हैं। अब प्लेन में हमारे पास कई सारे, आपको लगभग एक वक्त में 30 कलर मिल जाएंगे प्लेन में, जिसमें से कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे रख रखे हैं डिस्प्ले के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेन शर्ट का 30 कलर, डिफरेंट कलर मिल जाएगा यहाँ पे। 30 शेड मैं आपको प्लेन में दे सकता हूँ, यहाँ पे एट ए टाइम आपको 30 शेड हर हाल मतलब हमेशा मिल जाया करेगा। अच्छा। चेक्स और प्रिंट, एक्चुअली कपड़े में तीन ही तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है प्लेन, दूसरा होता है प्रिंट, और तीसरा होता है चेक। चेक में भी हमारे यहाँ 25 से 30 शेड्स आपको जो है सो एनी टाइम अवेलेबल मिलेंगे। प्रिंट में भी हमारे यहाँ 15 से 20 प्रिंट जो हैं, शेड जो हैं, वो आपको यहाँ पे हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि क्यू में है, ऊपर जो कपड़े कट गए हैं, और जो कटने कट रहे हैं उनके बाद फिर ये कपड़ा जो है सो काटा जाएगा। इधर हमारा प्लेन रखा हुआ है, प्लेन की क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 40-40 हम यूज़ करते हैं। इसकी रेड पिक जो हम यूज़, हमारा जो रेड पिक होता है वो हमेशा 128x78 या उससे अधिक होता है। ये क्या है 128x78? हाँ, मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए, वो भी समझ सकें कि किस टाइप का शर्ट उन्हें परचेज करना चाहिए, और उनके लिए क्या यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। इन द सेंस, यहाँ से लें चाहे ना लें, किसी भी जगह से, किसी मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से लें, तो वो इस चीज़ को समझ पाएँ। हाँ, मेरे एक्चुअली इतना ज़्यादा बताने की वजह यही है कि वो मेरे यहाँ से ना लें या कहीं और से लें, लेकिन एटलीस्ट उनको जानकारी रहेगी तो वो अपने कपड़ों को पहचान सकेंगे कि भाई मैं क्या बेच रहा हूँ। जी। और जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, आप नहीं बेच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने प्रोडक्ट को जानिए, और कहाँ से ला रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ये आप खुद देखिए उसको। देखने के बाद उसको परखिए कि भाई मेरे मार्केट में वो मेरे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा। अब जहाँ तक रेड पिक की बात आती है, तो रेड पिक का मतलब होता है, रेड पिक एक मेजरमेंट यूनिट है जो कि कपड़े की पारदर्शिता को मापता है। हम कपड़े की हर चीज़ की एक यूनिट होती है, किसी भी चीज़ को आप लिक्विड को आप मापते हैं तो मिली लीटर में या लीटर में मापते हैं, उसी तरह से कपड़े की पारदर्शिता को मापने के लिए रेड पिक एक यूनिट है। तो उस रेड पिक में जितना ज़्यादा काउंट होगा वो उतना ही बेहतर होगा, यानी पारदर्शिता जितनी कम होगी वो उतना अच्छा होगा। अब नेट का कपड़ा वो अलग सी चीज़ है,
लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शर्ट के कपड़े की। तो शर्ट के कपड़े में जितना पारदर्शिता कम होगी और जितना शर्ट का कपड़ा जो है पतला होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब शर्ट का कपड़ा आता है बहुत मोटा भी कपड़ा होता है, तो मोटा कपड़ा आपके लिए कम्फर्टेबल नहीं होगा। तो शर्ट वो होना चाहिए जो पहने तो आपको लगे कि भाई ये कम्फर्टेबल है और आप उसको पहन करके अच्छा फील कर सकें। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये देखिए, ये प्रिंट में इसको हम कहते हैं ट्विल। अच्छा, अब इसकी आप देखें, अगर नज़दीक से देखें तो आपकी इसकी वीविंग जो है वो काफ़ी डेंस है और काफ़ी डेंस है, और कपड़े में कपड़े की थिकनेस भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। कपड़े की थिकनेस जो है तो नॉर्मल जो थिकनेस होनी चाहिए वो हमने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, तो वो नॉर्मल थिकनेस है। उसी तरह से एक और कपड़ा आता है, इसको हम कहते हैं ये ड्रिल, कैलवरी ड्रिल कहलाता है ये कपड़ा। इसमें बेसिकली ये आप कह लें अपने आम बोलचाल की भाषा में तो ये दानेदार कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, तो ये भी एक तरह का कपड़ा होता है। कपड़े में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं कुछ हमारे सैंपल्स हमने मंगवाए हुए हैं। अच्छा, तो गाइस आपको बता दूं, यहाँ देखिए कुछ सैंपल सर ने लगाया हुआ है डिस्प्ले के लिए कि कौन कौन सा कलर डिज़ाइन वगैरह उन्होंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि हम जो भी इस तरह के कपड़े मंगवाते हैं उससे पहले हम उसका सैंपल मंगवाते हैं, उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद धुल करके देखते हैं कि उस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, वॉश करने के बाद वो कैसा आएगा। तो काफ़ी सारे क्वालिटी जो है तो इसकी देखी जाती है बनाने के पहले, और हम लोगों को खुद सेटिस्फाइड हुए कि नहीं भाई इसकी क्वालिटी सही है तभी हम वो कपड़ा मंगवाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग वो कपड़ा नहीं मंगवाते हैं। तो उसमें प्लेन में आप देख सकते हैं, वहाँ डॉबी प्रिंट भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है सो लाफर भी मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग कपड़े में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, नहीं भी तो 500 से प्लस क्वालिटीज़ हैं कपड़े में, लेकिन हम जो मेनली बनाते हैं वो ट्विल बनाते हैं, लाफर बनाते हैं, लाइक्रा बनाते हैं, इस तरह के जो है सो कपड़े में। हमारी ये कुछ सैंपल्स हैं, ये जैसे कि वहाँ से आयरन हुआ, आयरन होने के बाद इस पर इस तरह का ये रिबन होता है हमारा। अच्छा, ये बेसिकली पैकिंग मटेरियल है जो हम आयरन करने के बाद इसमें रिबन लगाते हैं, फिर इस तरह की ये टैगिंग होती है। इस टैग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास MRP की टैग होती है, एक हमारी ब्रांडिंग की टैग होती है, और तीसरा कपड़ा क्या है उसकी जो है तो टैगिंग होती है। अब जैसे ये है, इस पर 100% कॉटन लगा हुआ है, ये दिखा दीजिए सर, ये देखिए यहाँ पे सर का टैगिंग है, यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, इसका पॉलिथीन में पैक होगा, फिर इस तरह के डिब्बे में ये पैक होके जाता है, किसी ब्रांड से कम नहीं, ना क्वालिटी में ना स्टाइल में, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टैगिंग किया हुआ है, सारा सिस्टम में इसको सिस्टमेटिक किया हुआ है। तो सर बताइए कुछ और। अब इसमें जैसे 100% अगर हमने कॉटन लिख दिया है तो ये 100% कॉटन है। अच्छा, किसी भी कस्टमर को ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज की, अगर वो ये साबित कर दें कि 100% कॉटन नहीं है तो हम उनको जो है सो एक इनाम देंगे। अच्छा, तो क्योंकि ये गाइस आपको हमें दिखाना चाहूँगा, देखिए इन्होंने लिखा है 100% कॉटन, इसका ये ओपन चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर मैंने 100% कॉटन लिखा है तो ये 100% कॉटन है। और बताइए सर, और हम आपको जो क्वालिटी दे रहे हैं वो इस रेट में, जिस रेट में हम दे रहे हैं शायद यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा, और हम ये मतलब कहाँ नहीं दे पाएंगे, पूरे पटना में कोई नहीं दे पाएगा, और पूरे बिहार में, मतलब पूरे बिहार की तो सिर्फ पटने में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और कुछ एक दो जगहों पे होती है, लेकिन पूरे बिहार में जो क्वालिटी हम कह के आपको दे रहे हैं वो क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा जिस रेट में हम दे रहे हैं। अच्छा, खुद वो क्वालिटी दे सकते हैं बट वो रेट जो है हमारा उनसे कम ही होगा, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा रेट उनसे कम होगा। कारण क्यों आपका कम होगा? क्योंकि हम बहुत थिन मार्जिन में काम करते हैं सर, हमारी जो एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी है वो क्वांटिटी बेस्ड मोडस ऑपरेंडी है, हम प्रॉफिट या मार्जिन बेस्ड मॉडल्स ऑपरेंडली भी काम नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑलरेडी अपने आप हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम क्वांटिटी और कस्टमर एक्वायरेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमने कस्टमर बनाया तो हमारा ये विश्वास है कि हमारा वो कस्टमर हमारे साथ हमेशा रहे, हमसे हमेशा लेकर के जाए, क्योंकि कब लेकर जाएगा हमेशा, जब हम उनको क्वालिटी देते रहेंगे, हम उनको एक सर्विस, अच्छी सर्विस देते रहेंगे, हम अपने कपड़ों में शिकायत नहीं आने देंगे। हम यहाँ तक कहते हैं अपने कपड़ों के बारे में कि अगर 2 वॉश के बाद भी किसी भी शर्ट का कोई कलर फेड हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो आप कस्टमर से उसे वापस ले लीजिए, और वापस लेने के बाद आप कस्टमर को दूसरा नया शर्ट दे दें, हम आपको रिप्लेस करके वो कर दें। सर ने जैसा कहा है कि 2 वॉश की गारंटी, यानी कि 2 बार धोने के बाद अगर कपड़े का कलर जाता है तो बेझिझक आप यहाँ से आके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं
तो उस कस्टमर को आप नया चीज़ दे दीजिए और बाद में जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट लेने के लिए बिल्कुल ही 100% तैयार हैं। एक चीज़ और भी बोलूँगा, इन बहुत ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि वो स्टार्टअप में हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या छोटे दुकानदार हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो कैसे जुड़ेगा? सर, ऐसे लोगों को मैं इनकरेज करता हूँ, मैं इनकरेज करता हूँ कि आप आइए, मेरे पास एक मिनिमम क्वांटिटी 50 पीस आप ज़रूर लेकर के जाएँ, क्योंकि उससे कम में आप वो वैरायटी तो नहीं रख पाएंगे अपने पास जो आप कस्टमर को ऑफर कर सकें। होता क्या है कि हर, अब जैसे ये प्रिंट है, प्रिंट में आपको 4 साइज मिलेगा, M, L, XL, XXL, हम स्मॉल भी बनाते हैं तो 5 साइज हो गया। एरिया वाइज डिपेंड करता है, जैसे कुछ एरिया में प्लेन तो आपका XXL तक लोग खरीदते हैं, प्रिंट और चेक XXL कम लोग पहनते हैं, कुछ यंगस्टर्स भी पहनेंगे आपको। तो अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास कम से कम भी आइएगा तो आप एक 5 शेड तो ज़रूर पसंद करेंगे प्रिंट में, 5 शेड आप चेक में पसंद करेंगे और लगभग 10 शेड आप जो है प्लेन में पसंद करेंगे। तो आप ये आपका 3 और 10, 5, 15 और 5, 20 शेड हो गए। 20 शेड अगर आप 3 साइज भी लेते हैं तो 60 पीस यहाँ पे हो गया। तो जब तक आप ये 60 पीस नहीं रखेंगे शुरू में मिनिमम, तब तक आप रेंज ऑफर नहीं कर पाएंगे कस्टमर को। इसलिए मेरी सजेशन जो होगी वो ये होगी कि आप कम से कम 50-60 पीस से शुरू करें, एक रेंज रखें ताकि आप कस्टमर को वो रेंज ऑफर कर सकें, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आप उसको जो है आगे बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी नेचुरली आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और आपके सपोर्ट में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एज ए वो क्या कहते हैं बिजनेस पार्टनर, आप हमें समझिए। मैं अपने सारे कस्टमर्स को बताऊँ कि आप मेरे कस्टमर्स नहीं हैं, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि आप अगर सेल नहीं करेंगे तो हम बनाएंगे किसके लिए? जी बिल्कुल। तो आप तब सेल करेंगे जब हम आपको क्वालिटी देंगे, जब हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट हम उनको ये करेंगे कि भाई मिनिमम 50 पीस आप उठाएँ ले जाइए हम आपको। और आपके एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू अगर जो लोग आते हैं मैं उनके एक स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। तो गाइस, एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सर ने बहुत अच्छी बात कही है, योर वॉइस चैनल का नाम लेके अगर यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और मिलने वाला है। तो ज़रूर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं योर वॉइस चैनल का नाम ज़रूर लेना है आपको। जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट होगा, और मैं खुद भी चाहूँगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू करें, यानी एक अपना व्यवसाय खुद शुरू करें, करने के बाद आगे बढ़ें, अपने खुद को सपोर्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है वो दूसरों को भी सपोर्ट करें। क्योंकि अब क्योंकि हमने जब शुरू किया तो हम 2 लोगों से हमने शुरू किया, उसके बाद बिजनेस बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, तो इस तरह से काफ़ी लोगों को मैंने व्यवसाय दिया, मेरी वजह से कुछ लोगों को व्यवसाय मिला, उनकी वजह से मुझे यहाँ पे जो है तो एक्सपेंशन का जो है तो एक मौका मिला। तो उसी तरह से मैं उनको भी कहूँगा कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो बनेंगे आगे, उन लोगों के उनको यही सजेशन होगा कि आप जब भी फोकस करें तो किसी चीज़ पे फोकस करें, उसमें लग जाएं, और आपको हो सकता है कि शुरू में आपको 2 महीने 3 महीने ऐसा लगे कि यार ये कैसा कर लिया मैंने, ये कुछ और करना चाहिए था। सर, कोई भी चीज़ 2 या 3 महीने में नहीं होती, आपको उसमें फोकस होना पड़ेगा, कम से कम आपको 6 महीने देना होगा, और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी नहीं मरेगी, कपड़ों की जरूरत सबको होती है। तो कोई एक खरीदे या कोई 4 खरीदे लेकिन खरीदता ज़रूर है। तो ये एक इंडस्ट्री है जो कभी नहीं मरेगी, इस इंडस्ट्री में आप अगर हैं तो आप खुद जानते होंगे कि इस इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी है, और आप इसमें लगिए, लग करके आप इसको जो है तो सेल आउट कीजिए, आपकी अपनी शॉप है, तो मैं हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो सर, हर तरह से तैयार हैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अब मैं थोड़ा सा रेट जानना चाहूँगा कि आपका ये जो क्वालिटी तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, अब रेट में कितना बेहतरीन है थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, हमारा जैसे अगर इन शर्ट्स का रेट में पूछना चाहूँ तो क्या रेट है? सर, हमारा जो होलसेल रेट है जिस पे हम एक्चुअली देते हैं मिनिमम क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 50 पीस होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपना एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है। वैसे हमारे शर्ट का जो होलसेल रेट है 340 रुपये से स्टार्ट होता है और वो 650-680 रुपये तक जाता है। अच्छा, 350 से 650 तक जाता है। अच्छा, तो कुछ जैसे अगर इस शर्ट की बात करूँ ये कितने का है? सर, ये शर्ट हमारा जो है ये 100% कॉटन है, ये हमने 40-40 टीम्स यूज़ किया है इसमें। अच्छा, ये होलसेल रेट हमारा 340 रुपये है। तो गाइस, 340 रुपये का ये होलसेल प्राइस है, और मुझे भी लगता है कि जो सर रेट बता रहे हैं इसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया रेट है। रेट में मुझे लगता है कि इस क्वालिटी में और इस रेट में आपको कोई शर्ट दे देगा इस क्वालिटी का। और अगर इस शर्ट की बात करें तो सर, ये इस शर्ट की अगर बात करें, ये चेक है हमारा,
और स्टिक की बात करें तो ये भी हमारा 340 रुपये का, 340 का जी, ठीक है। और ये प्लेन शर्ट है हमारा, हाँ। ये भी हमने 100% कॉटन यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे 44 डिटेल से ये, हाँ। ये हमारा 320 रुपये का है, 320 रुपये का, ठीक है। और इसमें साइज जैसे बढ़ेगा हमारा प्राइस जो है वो MLXL, ये तीन साइज के लिए एक ही है। जब आप डबल एक्सेल लेंगे तो उसमें हमारा प्राइस 20 रुपये इंक्रीज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये शर्ट लेते हैं 340 रुपये की, जो कि जिसका साइज एल है या एम है या एक्सेल है, लेकिन अगर आप डबल एक्सेल लेते हैं यही शर्ट तो वो आपको 360 रुपये, 360 जी। तो सारा ट्रांसपेरेंसी सर बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बता कुछ रहे हैं और आप फ़ोन करने के बाद कुछ और होगा, सारा चीज़ वो एडवांस में आपको बता दे रहे हैं कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। अगर एक व्यक्ति, एक दुकानदार इसको 340 में खरीदता है, कितने में बेच पाएगा मार्केट में? अब इस जैसे ये हमारा MRP टैग है, हाँ। हमने MRP पे 899 रुपये डाला हुआ है, हाँ। 899 पे बहुत सारे कस्टमर 20% कोई 20% डिस्काउंट देता है, कोई 30% डिस्काउंट देता है, हाँ। मैंने खुद एज ए कस्टमर, क्योंकि मेरे सप्लाई तो पटना में भी हैं और इनके बाहर भी हैं, तो मैं खुद एज ए कस्टमर उन शॉप पे गया हूँ जहाँ पे मेरे शर्ट्स जाते हैं, और मैंने उनसे नेगोशिएट किया कि भाई ये शर्ट आप कितने की देंगे मुझे, तो मुझे जो नेगोशिएशन के बाद उन्होंने प्राइस दिया मेरी शर्ट का, जिसकी होलसेल कीमत जो है वो 340 रुपये थी, मुझे नेगोशिएशन के बाद उन्होंने 600 रुपये बताया कि सर इससे कम में मैं नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, तो मतलब ऑन एवरेज पे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, कितना मुनाफा कमा सकता है सर इस शर्ट पे? 60% से लेकर के आप 100% तक मुनाफा कमा सकते हैं एक शर्ट जी। बहुत सारे शॉप पे हमारे शर्ट जो है तो MRP पे ही बिकते हैं, वहाँ डिस्काउंट नहीं देता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस देखिए ये जो शर्ट है लगभग 60% से लेकर 100% तक मुनाफा, यानी कि आपका पैसा डबल आप कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के, और रेट भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, बक्से के साथ पैकिंग है, और ये जो ब्रांडेड शर्ट जो मिलते हैं उससे ये बिल्कुल भी कम नहीं है ना, मुझे तो लग नहीं रहा ये ना किसी तरह से क्वालिटी में कम है, ना किसी तरह का इसके ब्रांड में कमी है, किसी तरह से कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर लिया सर, यहाँ से अब मैं आगे ये पूछना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ तक आप माल सप्लाई कर सकते हैं? सर माल सप्लाई करने के लिए हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया जहाँ से भी मुझे कहेंगे आपको माल वहाँ तक शिप कर दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन उसको देना होगा? ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर बियर करता है। अच्छा। जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं जैसे शिपमेंट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो कस्टमर बियर करता है। अगर एक लमसम क्वांटिटी, एक बल्क क्वांटिटी में लेता है, उस कंडीशन में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको ही देना पड़ेगा? यस सर, उस कंडीशन में भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे कस्टमर से ही देते हैं। अच्छा, तो गाइस आपको बता दूं सर मानने वाले नहीं है, जो है क्लियर कट है आपके सामने, फोन करने के बाद उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बताया कुछ और किया कुछ, जो उन्होंने है क्लियर कट बात बताया है जो वो देने वाले हैं या जो नहीं देने वाले हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसके अंदर भी अपने इस प्रोडक्ट्स को एड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि ये मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर्स को ये सामान देते हैं, मिनिमम आप 50 शर्ट लेके भी इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप होलसेलर हैं कि रिटेलर हैं, मिनिमम 50 पीस आपको लेना है, इनके साथ जुड़ के अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या पुराना बिजनेस है तो उसके अंदर क्वालिटी तो देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ इस क्वालिटी लायक ये शर्ट है, उस रेट के हिसाब से वो शर्ट है। तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है कि इनके साथ जुड़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ हमने किसी अच्छी कंपनी, एक अच्छे ब्रांड के साथ ज्वाइन किया है, और आप 70% से लेकर 100% तक मुनाफा भी कमा सकते हैं। सारा कुछ बेहतरीन है, मैन्युफैक्चरर है, तो इस तरह के मैन्युफैक्चरर हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही जगह से सही माल सही तरीके से आप खरीद पाएं। पेमेंट का मोड क्या होता है सर? सर पेमेंट का मोड आप कैश पे कर दें, आप ऑनलाइन पे कर दें, ठीक है, तो हर तरह का मोड, हम UPI पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, हम कैश एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई बैठा हुआ है बेगूसराय में, वो आपका शर्ट परचेज करता है, फर्स्ट टाइम आके विजिट भी कर लेता है यहाँ पे, अब नेक्स्ट टाइम में अगर अगला लॉट के लिए आता है तो डिज़ाइन कलर्स तो चेंज होगा, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? सर उसके लिए बेसिकली जब जब हमारे डिज़ाइन और कलर्स चेंज होते हैं, हमारे जितने भी कस्टमर बेस हैं उनका व्हाट्सएप नंबर होता है हमारे पास, उनको हम वो डिज़ाइन जो है सो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अच्छा, ब्रॉडकास्ट करने के बाद हमारे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट साइज की रिक्वायरमेंट हमें लिख करके भेज देते हैं, और फिर उस हिसाब से हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। वैसे ये जनवरी के बाद से, 30 जनवरी के बाद से ये भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारा वेबसाइट जो है कि वो जनवरी में लास्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा, और हमारी सारी डिज़ाइन उस पर अवेलेबल होंगी, आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट हमको ऑर्डर दे सकते हैं।
गाइस एक बात बता दूं कि जनवरी में हो रहा है लॉन्च इनका वेबसाइट, वेबसाइट पे सारा डिटेल रहेगा। कुछ दिन की है और तकलीफ, और उसके बाद आपको सारा चीज इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वीडियो हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ओरिजिनल रियल मैन्युफैक्चरर या रियल होलसेलर इस तरह के लोगों से हम मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आ रहा है पसंद तो करिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, बेसिकली चाहूँगा कि आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे पास कोई सब्सक्राइब करके आपका वीडियो आता है तो मैं उनको एक उनके परचेज पे जो डिस्काउंट देना है वो तो मैं दूंगा ही, उसके अलावा उनको एक गिफ्ट हैम्पर भी मैं दूंगा अपनी तरफ से, ताकि वो योर वॉइस को वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस सर भी मेरे सपोर्ट में है और आप लोग को भी सपोर्ट में आना है। उन्होंने ये बताया है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से परचेज करेगा तो सब्सक्राइब, जो बिना सब्सक्राइब के भी आएगा उसको भी तो मिलेगा, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके आएंगे तो एक गिफ्ट हैम्पर भी आपको साथ में मिलेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।